हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी गोलगप्पे जो काफ़ी क्रंची होगा और एकदम मार्केट जैसा बनेगा। तो ये गोलगप्पे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो देखिए कितना क्रंची बना है। इधर मेरा बेटा बात कर रहा था। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गोलगप्पे बनाने के लिए लिया है मैंने 1 कटोरी आटा, 4 चम्मच सूजी, बारीक सूजी लिया है मैंने, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड तेल ऐड कर दूंगी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए ऐसे मिक्स कर लेना है हाथों से, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर सख्त आटे का डो बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सख्त आटे का डो बना लिया है। ऐसे ही आपको बना लेना है और एक गीला कपड़ा से इसे ढक देना है 20 मिनट के लिए। इधर मैं गोलगप्पे के लिए पानी बना लूँगी। तो देखिए मैंने चटनी तैयार कर लिया है। चटनी में मैंने लिया था धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, थोड़ा सा हरी मिर्च, इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी 1 गिलास। एक चम्मच काला नमक लूंगी। कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दूंगी। अब मैं भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं इमली का पानी ऐड कर दूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो गोलगप्पे के लिए पानी इधर तैयार हो गया है। थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूंगी इसमें, थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो अच्छा होगा। इधर मैं आलू तैयार कर लूँगी गोलगप्पे के लिए। तो आलू को मैं हाथ से मैश कर लूँगी अच्छे से। तो देखिए मैंने आलू को हाथों से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो ना भी ऐड करें प्याज और हरी मिर्च, सिंपल मसाला डालें। भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया और काला नमक ऐड कर दिया। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गोलगप्पे के लिए आलू तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आलू बन के रेडी है। अब मैं इधर 20 मिनट के लिए डो बना के रख दिया था, उसको मैं अच्छे से मल लूँगी। तो आटा देखिए अभी तक काफ़ी सख्त है, तो ऐसे मल के आटे को एकदम सॉफ्ट कर लेना है। अब मैं ऐसे लंबे लंबे बना के छोटे छोटे लोइए बना लूँगी। ऐसे ही छोटे छोटे लोइए बना लेना है गोलगप्पे के लिए। फिर एक लोई लेके हाथ में ऐसे गोल गोल घुमा लेना है। देखिए गोल हो गया है। लोई को हाथ से दबा के फिर बेल लेना है। बस 2 बारी आपको बेलन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पूरी का शेप ले लिया है, ऐसे सारा बेल लेना है। तो मैंने सारा बेल लिया है और बेल के फिर गीले कपड़े से ढक दिया था कि ऊपर से सूख ना जाए। अब मैं वह पूरियों को तल लूँगी। तो देखिए तेल काफ़ी गर्म है, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। अब मैं 2-3 करके ऐसे गोलगप्पे तल लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से फूल जा रहा है। तो मैंने आपको जैसे ट्रिक दिखाया वैसे ही आप बनाएं तो ऐसे गोलगप्पे फूल जाएंगे
और एकदम क्रंची बनेगा। तो गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहले गैस का फ्लेम हाई रखें, जब तेल काफ़ी गर्म हो जाए तो आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। तो देखिए मैं ऐसे एक एक पूरियाँ लेके तल ले रही हूँ और ऐसे ही सारा तल लेना है।